सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वो आपकी क्षमता के अनुसार छोटी बड़ी होती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो बदलती जरूर है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। आज का पंचांग 26 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:24 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र शाम 6:33 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर शाम 6:33 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी सिंह राशि पर ही रहेंगे। मिथुन राशि 26 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार, अपने घर से दूर कोई छोटी यात्रा करने का मौका आपको मिल सकता है। आप अपने देखभाल करने वाले या भाई के साथ जा सकती हैं। ईमेल, फोन या टेक्स्ट के माध्यम से प्रभावी ढंग से बातचीत करते समय सावधानी बरतें। एक अच्छा श्रोता होना कुंजी के समान है। परिवार से जुड़ाव महसूस करेंगे, किंतु आर्थिक रूप से थोड़ा तनाव हो सकता है। संयम के साथ खर्च करना सफलता की कुंजी है। जब आपकी विनम्रता और संयम शक्ति से मिल जाएंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। पारिवारिक अथवा सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान रहेगा तथा आपके विचारों को प्राथमिकता भी मिलेगी। अगर कहीं पैसा रुका है तो उसकी वसूली करने का भी उचित समय है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। जीवन में नई शुरुआत हो सकती है। जिन बातों से आप अभी तक डर रहे थे वे बातें पीछे छोड़ दें और खुले दिल से आप भविष्य से संबंधित बातों का स्वागत करें। जो लक्ष्य आप रख रहे हैं उससे मानसिक शांति मिले, इस बात को ध्यान में रखना होगा। किसी व्यक्ति के साथ के संबंध सुधारने के लिए आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता है। करियर से संबंधित प्रगति प्राप्त होगी, इस कारण खुद के लिए प्रसन्नता मिलेगी। लव लाइफ में नई शुरुआत नजर आएगी। सावधानियां, कोई सकारात्मक मामला चल रहा है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना उचित रहेगा। विद्यार्थी भी मनोरंजन तथा व्यर्थ के कार्यों में पढ़कर अपने अध्ययन और करियर के साथ समझौता ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ को निखारने के लिए दोनों में प्रेम के साथ साथ विश्वास होना बेहद जरूरी है। एक दूसरे को पत्र लिखना या संगीत नृत्य से अपने साथी को बहलाना आपके इस रिश्ते की खासियत है। बस जीवन के फैसलों को एक दूसरे पर थोपे ना, बल्कि मिलकर निर्णय लें। आज आपकी लालसा अपने साथी के साथ समय बिताने और उन पर पैसे खर्च करने की हो सकती है। किसी खास के लिए उपहार खरीदना उसे आनंदित महसूस करा सकता है। उसकी प्रशंसा करें और अपनी जीवन में उसके महत्व के बारे में उसे बताएं। यह छोटी छोटी बातें आपकी जिंदगी को रंगीन कर देगी। बात करते हैं करियर की। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस समय योजनाएं बनाएं। इसके साथ ही प्रचार व विज्ञापन भी आपके व्यवसाय को आगे ले जाने में सहायक होंगे। संगीत नृत्य या फोटोग्राफी जैसी कलाएं आपको पहचान और पैसा दिला सकती है। आज नए काम या नौकरी से बचें और फालतू खर्च ना करें। आज आप अपने कार्य स्थान में परफेक्शन प्राप्त करने के साथ साथ लंबे समय से अटकी परियोजनाओं पर भी काम करना चाहते हैं। कोई अनचाहा भय आपको परेशान कर सकता है। आपको अपनी कार्य क्षमता पर पूरा विश्वास है, इसीलिए आप हर काम को निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा करते हैं। किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा ना करें। बात करते हैं सेहत की। मधुमेह तथा ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती है। अपनी नियमित जांच अवश्य करवाएं।
तथा व्यवस्थित दिनचर्या व्यतीत करें। पाइल्स की तकलीफ होने की भी संभावना बन रही है। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, अति शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।